साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से भाजपा ने एक बार फिर से आत्माराम पटेल पर भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारा है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा क्षेत्र से आत्माराम पटेल को एक बार फिर से भाजपा उम्मीदवार बनाया गया, जहां कसरावद भाजपा कार्यालय पर पटेल के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आत्माराम पटेल बोले कि पार्टी ने मुझ पर फिर से विश्वास जताया है, मैं कसरावद के हजारों कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का आभार मानता हूं। वहीं इस दौरान आत्माराम पटेल ने अपनी जीत का भी दावा पेश किया। ये अपार यहाँ के हजारों कार्यकर्ताओं के प्रेम प्यार और आशीर्वाद का परिणाम है कि ये अवसर पार्टी ने मुझे आगे करके जो है इस चुनाव में उतरने का तय किया है। लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हजारों हजार कार्यकर्ता और हमारी पूरी टीम यहाँ पर जो है इस चुनाव में कांग्रेस को सशक्त देने के लिए लगातार तैयार है। हमारे यहाँ पर मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा। पिछले 10 साल से यहाँ पर जो है विकास जो है जो माइनूटली विकास होना था उतना नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से कसरावद में फिर इस बार विकास के द्वार खुलेंगे और यहाँ पर जो है सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये कितने संतुष्ट हैं अपनी जीत को लेकर? मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ और हमारी पूरे सब लोगों के आशीर्वाद से यहाँ का एक एक कार्यकर्ता पूर्णतः बिल्कुल संतुष्ट है और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल इस कसरावद विधानसभा में खिलेगा। किन्हें श्रेय देंगे भैया, किस प्रकार से? मैं यहाँ के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को जो है इस जीत का श्रेय देना चाहूँगा। एक बार फिर विश्वास जताया, क्या कहना चाहूँगा? बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं यहाँ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के विश्वास के ऊपर भी खरा उतरूंगा। क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता है कसरावद विधानसभा को हर क्षेत्र में पहले नंबर की विधानसभा बनाना और उसके लिए लगातार रोड मैप बना करके काम करेंगे। विरोधी जो है वो अभी तक क्या नहीं कर पाए जो आप कर पाए? विरोधी तो वैसे कुछ भी नहीं कर पाए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जो काम मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृत होता है हर काम के आगे खड़े होकर के वो कहते हैं कि ये काम हमने करवाया, नहीं तो यहाँ पर जितना भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बताना चाहता हूँ ना कि यहाँ पर 18 हाईस्कूल और हायर सेकेंडरियाँ थी और इतने ही मैंने मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ पर इतने हाईस्कूल हायर सेकेंडरियाँ खुलवाई। यहाँ पर डिग्री कॉलेज हमने खुलवाया, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल हमने खुलवाया, यहाँ पर ITI कॉलेज हमने खुलवाया, यहाँ पर 5 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रावास थे, 6 मेरे कार्यकाल में खुले हैं, ये उपलब्धि रही है। यहाँ पर 48 जो है आंगनवाड़ियाँ और मिनी आंगनवाड़ियाँ मेरे कार्यकाल में यहाँ पर खोली गई है और सड़कों का जाल बिछाया गया है और माँ नर्मदा का पानी 2012 में माननीय शिवराज जी आए थे, किसानों के खेतों तक माँ नर्मदा का पानी पहुँचा है। लाडली बहना का कितना लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना चालू की है लाडली बहना योजना, वैसे जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने महिलाओं बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, आजीविका मिशन के माध्यम से कई बहनों का कल्याण करने का काम माननीय शिवराज जी ने किया है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी अनेक योजनाएं उन्होंने बनाई है और जिससे कसरावद विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में बहनों का आशीर्वाद निश्चित रूप से शिवराज मामा को और मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। मैं आपको बता दें कि पिछले 2 बार से पूर्व मंत्री सचिन यादव से पटेल लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2 चुनाव हार के बाद पटेल को उनके कुनबी पटेल समाज का होने और सर्वे में सबसे आगे नाम होने का फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खरगोन।